नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं वी इंडिया न्यूज चैनल। चलो नजर डालते हैं आज के कुछ बड़ी खबरों पर। 20,000 लोगों के लिए बनेगा रोटी का संकट, हाईकोर्ट से मिला स्टे, प्रशासन कर रहा अवहेलना। व्यापारियों का कहना, हम हैं प्रशासन के साथ, दुकान के लिए दिया जाए हमें स्थान। हम सालों से यहाँ पर व्यापार कर रहे हैं, अब प्रशासन हमें दुकान हटाने को कह रहा है। यदि हमारी दुकानों को हटाया जाता है तो 20,000 लोगों की रोजी रोटी पर असर पड़ेगा। कोरोना और लॉकडाउन के कारण वैसे ही हम परेशान हैं। हम शहर विकास में प्रशासन के साथ हैं, लेकिन प्रशासन को भी हमारा ध्यान रखते हुए हमें व्यापार के लिए उचित स्थान देना चाहिए, ताकि हजारों परिवार का गुजर बसर चलता रहे। यह मांग उज्जैन ऑटोमोबाइल मैकेनिक कल्याण समिति के सदस्यों द्वारा उठाई जा रही है। समिति के सदस्यों ने गुरुवार को एक तरफा प्रशासनिक कार्रवाई के खिलाफ मोर्चा खोला। व्यापारियों का कहना था कि प्रशासन द्वारा आज तक हमें कोई लीगल नोटिस दिए बिना ही बार बार दबाव बनाया जा रहा है। हाईकोर्ट के आदेश की भी प्रशासन द्वारा अवहेलना की जा रही है। इस दौरान समिति के अध्यक्ष भोला कुमार, उपाध्यक्ष अब्दुल रशीद खान, सदस्य गजेंद्र सिंह, यशपाल शर्मा, रजाक नागोरी, शेख नासिर, विजय वर्मा सहित अन्य व्यापारी मौजूद रहे। व्यापारी के पक्षकार एडवोकेट विजय कुमार दुबे ने बताया कि हाईकोर्ट में 30 जून को यह निर्णय दिया गया है कि प्रशासन यदि जमीन को खाली कराना चाहता है तो पहले व्यापारियों को नोटिस दिए जाएं, इसके बाद ही आगे की कोई कार्रवाई की जाए। क्षेत्र में 200 से अधिक दुकानें हैं जिन पर 5,000 लोग काम करते हैं। बिना किसी दूसरा स्थान आवंटन किए दुकानों को हटाने की कार्रवाई होने से इन हजारों लोगों के परिवारों पर भी संकट आएगा। व्यापारियों ने बताया कि उन्होंने नीलोफर बी से यह ज़मीन किराए पर ली थी, जिसका वे किराया भी भरते हैं। यह ज़मीन सालों तक निजी थी, लेकिन एकाएक सरकारी हो गई। व्यापारियों ने यह भी प्रश्न उठाया कि ऐसी क्या विकास योजना इस जगह पर बनाई जा रही है कि इसे सरकारी करना पड़ा। के बारे में भी नहीं बताया गया। और ये जगह, जिस जगह पर ये लोग यहाँ पर काबिज है, इनका कार्य कर रहे हैं छोटे छोटे दुकानदार है, ये जगह नीलोफर पति रशीद खान ने 2004 में परचेस की गई थी, तब से ये उनके किराएदार हैं। और इन सभी के यहाँ पर गुमास्ता के लाइसेंस बने हुए हैं, कोई भी अवैध कब्जा मेरे अनुसार तो नहीं है। नीलोफर जो है, जिनका नाम बता रहे हैं, उन्होंने किनसे परचेस करी थी? उन्होंने तीर्थकर समिति से परचेस की थी। समिति से? मैं भोला कुमार, ऑटो पार्ट्स का मेरा बिजनेस है, इस समिति का अध्यक्ष हूँ मैं। समिति के नाम बताइए। उज्जैन ऑटोमोबाइल। आप क्या चाहते हैं शासन से? सरकारी जमीन मिले सब, हम सब लोगों को बेरोजगार नहीं करें, और मतलब गवर्नमेंट की तरफ से जो भी रेट है वो हम लोग देने को तैयार हैं। आप कितने वर्षों से स्थापित हैं यहाँ पर? हमको तो 20 साल हो गए सर। आप जो हैं अभी तक, क्या इनके द्वारा जमीन आपको प्राप्त हुई थी? कौन थे इसका ऑनर वगैरह? वो नीलोफर भाई। अच्छा, किराया देते थे आप? किराया देते ना सर।